देखिए ये सत्य की जीत हुई है और मैंने जैसा पहले से कहा कि इस मामले में कोई भी तथ्य कोई भी सत्यता नहीं थी। जबरदस्ती हमारे नेताओं को पकड़ पकड़ के जेल में रखा गया। मनीष सिसोदिया जी को 17 महीने तक जेल में रखा गया। क्या भारत के प्रधानमंत्री उनके जीवन के इन 17 महीनों का हिसाब देंगे? क्या भारतीय जनता पार्टी उनके इन जीवन के 17 महीनों का हिसाब देगी जो शायद दिल्ली के स्कूलों को बनाने में काम आता, बच्चों को अच्छी शिक्षा देने में काम आता, जिंदगी के वो 17 महीने आपने जेल में डालकर बर्बाद किए मनीष सिसोदिया के। माननीय सर्वोच्च न्यायालय का हृदय से आभार है, सर झुका के नमन है कि लंबे इंतजार के बाद न्याय मिला, एक फैसला आम आदमी पार्टी के पक्ष में, मनीष सिसोदिया जी के पक्ष में, और एक एक कार्यकर्ता इस फैसले से उत्साहित है, एक एक देशवासी दिल्ली का नागरिक इस फैसले से खुश है। और सब ये मानते थे कि हमारे नेताओं के साथ जोर जबरदस्ती और जाति हुई है। हमारे मुखिया अरविंद केजरीवाल जी को अभी भी जेल में रखा है, सत्येंद्र जैन जी को अभी भी जेल में रखा है। मैं उम्मीद करता हूं जल्द ही उनको न्याय मिलेगा, प्रभु से प्रार्थना करता हूं जल्द ही वो बाहर आएंगे। और आज ये जो फैसला आया है, मैं समझता हूं केंद्र की सरकार की तानाशाही पर एक जोरदार तमाचा है।